अगर भैया आपने एम पॉकेट के पैसे नहीं दिए तो घर पे भाई एजेंट आएगा, आपको गाली गलौज करेगा, मतलब इतना गंदा हराश करेगा, आपके रिश्तेदारों को मैसेज करेगा। तो भैया अगर आपने ले रखा है एम पॉकेट से लोन और आप एक स्टूडेंट हो, भाई एम पॉकेट से वही बंदा लोन लेता है जो स्टूडेंट होता है भाई, 10 से 20 हजार रुपया, 5 हजार रुपया ले लेते हो आप, और आपको उसके बाद ऐसा मैसेज ये फिर से भेज रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में रिसेंटली मेरे को एक डीएम आया था, उनको ये मैसेज ऐसे किया गया था एम पॉकेट की तरफ, लीगल नोटिस। भाई अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो घर में लीगल नोटिस आएगा, पुलिस आएगी, कोर्ट में केस हो जाएगा। क्या ये सब जेन्युइन तरीके से ऐसा होता है, चाहे आपको डराने के लिए होता है, कई लोगों को भाई लगता है डराने के लिए होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एम पॉकेट वाले कर क्या रहे हैं, और क्या ये अगर आपको ये परेशान कर रहे हैं फोन करके तो इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने लोन लिया एम पॉकेट से भाई, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट भरे अपने, लोन लिया और उसको आप रीपे नहीं कर पाए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपकी सिविल पे 100% इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए उतना नहीं करेगा लेकिन करेगा, मतलब अगर आपने भी इसे लोन लिया है और 2 दिन तक इसको रीपे नहीं किया ना, तो ये आपकी रिपोर्ट भेज देगा सिविल में, क्योंकि ये एप्लीकेशन है एनबीएफसी रजिस्टर्ड, आरबीआई अप्रूव्ड। ठीक है, सबसे पहले आपके बाद में आ गई दिमाग में। ठीक है, अब दूसरी बात है कि क्या इनके रिकवरी एजेंट आते हैं, तो मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो अगर आपने अमाउंट 20 से 30 हजार रुपए ले रखा है और अगर दिन 100 डेज से ज्यादा, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 90 दिन से, तो चांसेस है, नहीं तो उतना चांसेस नहीं है। बट अब हम बात करते हैं ये जो लीगल नोटिस की इन्होंने मतलब मजा रखी है धूम के, भाई लीगल नोटिस भेज देंगे भाई घर में अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो। भैया ये जो मैसेज है ना ये 100% फेक है, आपको डराने के लिए आपका एड्रेस, आपका नंबर पूरा यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया जाता है और आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ, मैंने आगे भी आपको बोला है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे एक भाई अपने को मिले इंस्टाग्राम पर, उन्होंने लोन लिया था भाई 6 हजार का। ठीक है, उन्होंने भाई पे नहीं किया, हो गए 10-15 दिन मान लो, और उसको उन्होंने 6 हजार को कर दिया भाई 10 हजार रुपए। ठीक है, 10 दिन में उन्होंने इतने मतलब 3-4 हजार का इंटरेस्ट लगा दिया। अब दिन बढ़ते गए, अब उन्होंने कर दिया उस चीज को मान लो 15 हजार रुपए उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब दिन हो गए हैं 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, 6 हजार लिया था उसको, 15 हजार रुपए कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम हाफ पेमेंट भी नहीं लेंगे, आपको पूरी करनी पड़ेगी, सेटलमेंट करने के लिए वो मान नहीं रहे। ठीक है, तो अब बंदा डर रहा है यार, वो आपको फोन करके कह रहे हैं कि भाई तेरे घर में ही मतलब ऐसे एजेंट आएगा, तेरी भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट को बोल देंगे कि भाई तू लोन ले रखा और उतारता नहीं है, मतलब ये आपको न्यूड वगैरह फोटो वगैरह नहीं भेजेंगे एनबीएफसी रजिस्टर्ड, लेकिन ये धमकाएंगे कि तेरे रिश्तेदारों को बताऊंगा, तेरी यही औकात है, 2 कोड़ी की, मतलब इस हिसाब की चीजें आपको बोलेंगे और आपको इतना हरासमेंट करेंगे। ठीक है, पहली बात आपको हरासमेंट कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि भाई 6 हजार के डबल पैसे दो, भाई 20 हजार चाहिए बनने। तो अब आप बताओ क्या ये अच्छा जेन्युइन तरीका है कि अगर आपने 6 हजार लिया है, मानता हूं आपके घर में क्राइसिस है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी रीपेमेंट मत करो, मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जो एप्लीकेशन है वो भाई बंदे को पूरा खून ही चूस ले और बोले कि भाई नहीं 6 हजार का, हमें तो 20 हजार चाहिए, नहीं तो भाई हम तेरे पास ये लीगल नोटिस कर देंगे, फलाना ढिमकाना ये कर देंगे। क्या ये जेन्युइन चीज है? तो आपको करना क्या है भाई, देखो आपकी सिविल तो उन्होंने वैसे इम्पैक्ट कर दी है भाई, की है या नहीं गई है, सिविल उन्होंने इम्पैक्ट कर दी भाई, अगर आपने 4 महीने 5 महीने हो गए ना उसको छोड़ो, 2 दिन भी पेमेंट नहीं करोगे तब भी वो सिविल में इंक्वायरी भेज देगा कि ये बंदे ने भाई मनारी को कंपनी के पैसे नहीं दिए, इसकी सिविल डाउन करो, तब भी इंक्वायरी भेज देगा। तो अगर वो 2 दिन की भेज देता है तो उसको बोलो तू 4 महीने की भेज दे भाई, 3 महीने की भेज दे, मैं नहीं कर रहा भाई, सिंपल बात है, मैं कुछ भाई झूठ नहीं बोल रहा, आपको लग रहा है यार तू तो बोल रहा रीपे मत करो, रीपे करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 हजार का 20 हजार दे दो भाई, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। मतलब आप उनको बोलो कि 6 हजार है ना, चलो भाई मैं 10 दे दूंगा, 4 महीने हो गए, मैं 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, चल भाई 6 हजार दे दूंगा, 6 हजार का 12 हजार दे दूंगा, चल भाई डबल दे रहा हूँ तेरे को, क्योंकि 4 महीने हो गए, दिन बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन तू तो डबल से भी 3 गुना मांग रहा भाई, 6 हजार का 20 हजार, क्या ये जेन्युइन है? तो अगर वो सेटलमेंट के लिए मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उनको बोलो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो, सिंपल बात है भाई, आपको सेटलमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर करना है तो करो, नहीं तो भाई मैं तो नहीं देने वाला, सिंपल बात है। तो मैंने आपको बता दिया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आई होप आप समझे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को भाई इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम आप देख सकते हो लिखा हुआ अक्षरों में, इस पे यहाँ पे आप मेरे को डीएम करो, मैं 100% आपके भाई जवाब का रिप्लाई जरूर दूंगा, मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।